हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टो मंत्रा और मैं हूं मोहित पंवार। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग परेशान हैं और वो टॉपिक है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत। जब हम किसी बात को लेके इतना डीप सोच लेते हैं कि हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है, नींद आने के समय पर भी फालतू में चलता ही रहता है और फिर कम नींद की वजह से सर दर्द हो जाता है। ये सब हमारी ओवरथिंकिंग की वजह से होता है। एक्चुअली हम रियलिटी की दुनिया से दूर होकर इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं और एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ज्यादातर तब होता है जब आप किसी से जुड़ना चाहते हो या किसी से दूर जाना चाहते हो या फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया, फिर आपका दिमाग बस उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेगा और कितना लंबा सोच लेगा, जबकि ये वास्तविकता से दूर होता है। कई बार तो हम छोटी छोटी बातों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि अपना मूड ही खराब कर लेते हैं। देखिए, बातें बड़ी होती नहीं है, हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो ये सही है, अगर दिमाग में पक गई तो दिमाग खत्म कर देती है। कई बार हम पास्ट को लेके बैठ जाते हैं तो कई बार फ्यूचर कैसे ठीक होगा इस चिंता में घंटों सोचते रहते हैं। और अगर आप प्यार में हो तो बस फिर तो दिमाग को आपने 24 घंटे सोचने का काम दे दिया और सोचते रहेंगे, एक इमेजिनेशन चलती रहेगी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेगी या क्या करेगा, मैंने ऐसा कहा तो वहां से क्या रिएक्शन आएगा। दिमाग बस एक उसी उधेड़बुन में लगा रहता है। कई बार तो हम सोचते हुए बड़बड़ाते भी हैं, हमारा दिमाग भी चलता रहता है और मुंह भी। अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में। मैं आपको एक अपने व्यूअर का किस्सा बताता हूं। वो कहता है कि रात को सोने से पहले क्रिकेट मैच के बारे में सोचता है सिर्फ, और कितना सोचता है, एक सवा घंटा पूरा सोचेगा, यानी कि पूरा T20 मैच वो सोचते सोचते खत्म कर देता है। और ऐसे नहीं, टॉस से लेके मैन ऑफ द मैच तक पूरी दोनों इनिंग खेलता है सिर्फ अपने दिमाग में। अब देखिए, ये फालतू का काम नहीं है क्या? हम दिमाग को बर्डन दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और फिर लोग पूछते हैं कि दिमाग कैसे शांत होगा। भाई, दिमाग को तो आपने जानबूझकर काम दे रखा है, अपने आप से नहीं चलाओ, आप उसको काम पर लगा रखे। हम बातों को इमेजिन कर करके अपने दिमाग को थका देते हैं, फिर वो आपके काम की चीज भी नहीं सोच पाता और उससे हमें बड़ी दिक्कत होती। अब इस दिक्कत से कैसे बाहर निकले, मन को शांत कैसे करें, उसके लिए कुछ उपाय करोगे तो दिमाग आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा और आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है सही डायरेक्शन में सोचें। देखिए, सोचते सब हैं और जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो और भी ज्यादा सोचते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, फालतू के लिए उनके पास टाइम है ही नहीं। तो करना क्या है, अपना टारगेट सेट करके स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग करो और अपने दिमाग को उस टारगेट के पीछे लगा दो, फिर आपका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा। अगला पॉइंट है रोजाना मेडिटेशन करना। दोस्तों, अगर आप इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन जरूर करना पड़ेगा। आपको सुबह उठने के बाद और सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करना है। एक शांत जगह देखिए, वहां पर बैठिए और अपने दिमाग को उस जगह लगाइए जो आपको अचीव करना है। आप सिर्फ 15 दिन ऐसा करो, आप देखिए आपका मन कैसे शांत होता है। अगला पॉइंट है माफ करना और भूलना सीखे। दोस्तों, अगर आपके साथ किसी की बहस हो गई और उसने आपको कुछ कह दिया तो आप पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोच लेंगे,
वो कितना लंबा सोच लेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे उसकी कहने की हिम्मत कैसे हो गई, सोचते रहेंगे और अपना दिमाग पूरा उसके पीछे ही लगा देंगे। इससे बचने का बहुत ही सिंपल उपाय बताता हूं, अपने आप को या तो सबसे छोटा मानो और सोचो कि अगर किसी ने इस छोटे इंसान को कुछ कह भी दिया तो इससे मेरा क्या बिगड़ गया, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, मैं तो हूं छोटा। या फिर अपने आप को बहुत बड़ा मान लो और सोचो कि इस छोटे इंसान ने मुझे कह दिया तो मुझे इसमें अपना मूड खराब करने की क्या जरूरत है, माफ कर देता हूं इसको, छोड़ो। एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और नहीं तो फिर पता नहीं लेके बैठ जाओ उस बात को और सोचते रहो, करो अपना दिमाग खराब, लगाओ भाई अंडे उसके पीछे, जो हम कहीं और दे सकते थे वो सारा समय वहां पड़ गया। इस चीज से हमें बचना है दोस्तों। अगला उपाय है, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा ना जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के काम में बेवजह दखल देते हैं या फालतू में घुसे रहते हैं तो वो बंदा आपको एक दो बार बर्दाश्त करेगा लेकिन कभी ना कभी तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बेवजह हम अपना दिमाग खुद खराब कर रहे हैं, तो हमें इस चीज से भी बचना है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, बाकी दुनिया करते रहे जो करना है। जान और माल का नुकसान होने पर ही चिंता करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपके जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ आपको किसी ने कुछ कहा है, तो आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसके निगेटिव वर्ड्स या उसने जो कुछ भी आपको बोला है वो उसके पास ही रहने दो, उसको अपने दिमाग में डालकर अपना दिमाग क्यों खराब करना। सिर्फ आपको तभी चिंता करनी है या बात आपकी जान पर आन पड़ी हो या आपको माल का नुकसान हो रहा हो, तभी आपको चिंता करनी है और अपने दिमाग को उसके पीछे लगाना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कुछ किसी ने कुछ कह दिया है और आप उसको लेके बैठे हैं तो इसमें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। अगला पॉइंट है, नई नई चीजें सीखने में मन लगाओ। इसके बहुत फायदे हैं, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा आपका मन आपका ध्यान सही जगह काम करेगी, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और आपको फालतू सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। वादा उतना ही करो जितनी आपकी क्षमता हो। देखो दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ कोई वादा किया और आप उसको समय पर निभा नहीं पाए, इससे आपको दुख जरूर होगा और आपका मन भी अशांत होगा, तो आपको इन चीजों से बचना है, ठीक है। उतना ही किसी को कुछ कहना है या सुनना है जो आपके वश में, फालतू का छोड़ो, जो होना है वो होकर रहेगा। दोस्तों आपको अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होने को आप नहीं टाल सकते। देखिए, किसी को अपने शादी के लिए पार्टनर की चिंता है कि कैसा मिलेगा या कैसी मिलेगी, किसी को अपनी जॉब की या किसी को अपने बिजनेस की, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। आप बस सही कर्म कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इसके लिए अपने दिमाग पर जोर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना मनपसंद संगीत सुनो दोस्तों। जब मन अशांत हो तो एक जो आपको सबसे अच्छा म्यूजिक लगता हो, सबसे अच्छा गाना लगता हो, उसको लगा के आराम से बैठ के सुने, आपके मन को अच्छा लगेगा, मन खुश होगा, मन को शांति का अनुभव होगा और वापस काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने आज मन को शांत करने के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही कारगर है। आप ऐसा करके अपने भटकते हुए मन को, उलझे हुए मन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टॉपिक से, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे।
दोस्तों हमारा लक्ष्य आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। थैंक यू।